नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम ग्वालियर में हैं। आज दिन की शुरुआत हम ग्वालियर फोर्ट विजिट करके कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। ये फोर्ट का एंट्री गेट है। यहाँ पहुँचने के लिए ना हमने लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, जो अपहिल रास्ता था। तो हम तो अपनी गाड़ी पर आ गए और टैक्सी हमने यहाँ पर खड़ी कर दी सामने पार्किंग स्पेस पे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको वहाँ उतरना पड़ेगा, और वहाँ से वो लोग 150-150 रुपये लेते हैं ड्रॉप करने के। यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर आपको ड्रॉप करते हैं, या पैदल आ जाओ 20-25 मिनट लगा के। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे और टिकट अंदर जाके हम निकालेंगे। 25 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट होती है। इस समय पवन भाई हमारे साथ हैं। नमस्ते। नमस्ते पवन भाई, आप हमें मदद करेंगे ग्वालियर फोर्ट विजिट करने में। तो थोड़ा आप यहाँ से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बाकी फिर समझते समझते अंदर चले जाएंगे। क्या है ये जो ग्वालियर का किला है? एक ऐसा माना जाता है इंडिया का सबसे पुराना माना गया है, और इस किले की जो शुरुआत है वो है 6th सेंचुरी की है। तो जस्ट हमारे ये सामने जो महल है वो है राजा मानसिंह का महल, क्योंकि राजा मानसिंह का जो महल है, ये महल की सुंदरता जो आप लोग बाहर से देख ही रहे हैं, इससे अधिक सुंदरता महल के अंदर भी है, जो हम लोग अंदर जाके भी विजिट करते हैं। राजा मानसिंह कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? मानसिंह तोमर राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मानसिंह तोमर थे ये, और ये जो महल मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 1486-1516, ऐसा माना जाता है 30 साल लिए इनको महल को बनाने में। और महल पूरा हिंदू शैली का, इसके अंदर मुगल शैली बिल्कुल भी नहीं है। तो राजस्थान में भी एक राजा मानसिंह रहे हैं, जयपुर वाले। जी, वो मानसिंह अलग हैं, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी है, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए, और ये हमारे ग्वालियर वाले मानसिंह इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना होना चाहिए था उनको। अच्छा, सामने जो ब्लू कलर में और येलो कलर में हमको टाइल्स दिखाई दे रही हैं, ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि समय के साथ काफ़ी सारी टाइल्स निकल गई हैं, तो एक समय पे बड़ा रंग बिरंगा सा रहा होगा ये। सर, ये जो महल है पूरा रंग बिरंगा था और है, क्योंकि ये सारा कलर ओरिजिनल है, जिसको मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। जो मीनाकारी सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ की जाती है, कलर उसी समय का जिस समय इस महल को बनाया गया है, और सारा कलर 500 बस पुराना है, 15वीं सदी का है, जो कि दीवार के ऊपर है। ब्यूटीफुल है। तो जैसे कि देखें, हम लोग अभी महल के अंदर आ चुके हैं, और जिस रूम में हम सर खड़े हुए हैं, ये है राजा की 8 रानियों के लिए संगीत रूम। तो राजा मानसिंह की 9 रानियां थीं, जिसमें से 8 रानियां इस महल के अंदर रहती थी। 9वीं का महल हमारे फोर्ट के नीचे है, जिसको बोलते हैं गुजरी महल। तो संगीतकार जो सभी नीचे बैठा करते थे, रानियां जानियों के पीछे बैठती थीं, तो रानियां संगीतकार को देखती थी और संगीतकार रानी को नहीं देखा करती थी, क्योंकि इंडियन और राजपूत ट्रेडिशन था उस समय का। हम कुछ जानियों के अंदर देखें तो डांसर्स फिगर्स भी बनी हैं। ये डांसर्स फिगर्स उसी समय के जिस समय इस महल को बनाया गया है, और सारी फिगर्स 500 बस पुरानी हैं, 15वीं सदी की हैं, जो कि महल की दीवारों पर और जाली के अंदर हैं। अब आएंगे हम इसके बाद ओपन वाला कोर्टयार्ड देखते हैं। ये था राजा का दरबार हॉल, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। जस्ट ऊपर जो बालकनी है वो राजा के बैठने के लिए थी, और राजा की जो रानियां थी वो सभी जालियों के पीछे बैठती, इसलिए जालियां दी हुई हैं। उनके मेहमान आते थे, मेहमान के लिए यहाँ पर बालकनी बनाई हुई है, और मिनिस्टर लोग थे वो सभी नीचे फ्लोर में बैठते थे, तो ये सभी एक दूसरे से बात करते थे। और इसी कोर्टयार्ड में कुछ सिंबल हैं जो राजा से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम सिंबल में देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर मोर बनी हुई है। मोर इसलिए महल के अंदर बनाई गई है, पहले कोई खुशी का दिन हुआ करता था तो झंडे के ऊपर ये मोर छपी रहती है, तो फेस्टिवल के लिए मोर का उपयोग किया करते थे। और सेकंड में हम लोग यहाँ पर देखें, एक छोटा हाथी एक बड़ा हाथी है। बड़ा वाला छोटे वाले को अपने पैरों में दबाया हुआ है। बड़ा वाला तो हाथी नहीं लग रहा। और बड़े वाले में देखो 3 जानवर मिक्स हैं, जिसको बोलते हैं मैथोलॉजिकल एनिमल। अच्छा। जैसे कि देखो, हेड है जो एलिफेंट का है, बॉडी देखो तो लॉयन की है, पैर देखो तो घोड़े के हैं। सो 3 for 1, सो दिस इज अ मैथोलॉजिकल एनिमल्स यूज ऑन द बैटल फील्ड। तो ये सिंबल था फाइटिंग के लिए। ये राजपूतों का सिंबल था पहले, जो कि फ्लैग के ऊपर छपा रहता था, और फ्लैग जो होता था 50 मीटर के पोल के ऊपर ये फ्लैग होता था, जो राजा के समय में यूज किया जाता था, और ये राजपूतों का क्राउन था, उनके हेड के ऊपर छपा रहता। अब इसके बाद हम लोग बाजू वाला रूम जाएंगे देखने के लिए, वो था राजा के समय का शिव मंदिर, जो मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 8 रानियों को शिव की पूजा करने के लिए। आइए देखते हैं अंदर से। मंदिर के अंदर जाने से पहले दरवाजों में जो कार्विंग्स देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत कार्विंग्स हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की शैली बनी हुई है, विष्णु जी का चक्र है, तुलसी का पत्ते का शेव है। इसके बाद हम थोड़ा पीछे से ऊपर की ओर देखें तो दोनों ओर हाथी बने हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट में,
और पीछे वाले पैर के नीचे देखे फ्लावर लोटस बना हुआ है। अब आएंगे अपन अंदर की ओर देखते हैं। सर ये जो रूम था ये था राजा की 8 रानियों के लिए शिव मंदिर, इसलिए इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। इसका पुराना नाम था मन मंदिर पैलेस, फिर इसको थोड़ा चेंज किया तो हो गया मान मंदिर पैलेस। मान मंदिर के अंदर उस समय राजा की 8 रानियां शिव जी की पूजा करती थी। इस रूम को मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा के लिए, तो परिक्रमा के लिए गैलरी बनी, बैक साइड में गैलरीज हैं। और मंदिर की सुंदरता के लिए इन सभी कार्विंग के अंदर पहले डायमंड और शीशे के टुकड़े लगे रहते थे। और 3 मूर्तियां थीं, तीनों गोल्ड प्लेट में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से यहाँ पर 33 झरोके बने हुए हैं। सो पहले के लोग ऐसा माना करते थे हम 33 झरोकों की परिक्रमा लेते हैं तो हम सारे देवी देवताओं की परिक्रमा ले सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं। अब आएंगे अपन आगे की ओर चलते हैं। टोटल 6 मंजिल में ये पैलेस है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इस प्रकार से जो देखा जाए तो 4 मंजिल अभी खुले हुए हैं जिसको हम लोग अभी विजिट करेंगे। 2 मंजिल बंद है, एक नीचे की बंद है, एक ऊपर की बंद है। तो अब हम वापस यहीं पे आ गए जहाँ से शुरू किया था। नहीं, ये दूसरा कोर्टयार्ड है। देखने में तो सेम ही लग रहा है। लगता है एक सही है, इसलिए इस महल को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोर्टयार्ड था सर, ये था राजा का समय का ओपन डांसिंग हॉल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हाथी नहीं है। हाथी नहीं है, यहाँ चाइनीज ड्रैगन बने हुए हैं सर। तो चाइनीज ड्रैगन क्यों है यहाँ पर? उस समय कुछ चाइनीज ट्रेलर्स वगैरह यहाँ से गुजर रहे थे जब उनके द्वारा इस कोर्टयार्ड में चाइनीज शैली बनाई गई, जैसे कि ड्रैगन भी है और रूफ भी देखे तो चाइनीज शैली का है, जो कि जस्ट आपके सामने है। ये चीज आप भी देख सकते हैं और हमारे ऊपर ये छज्जा भी है, ये भी चाइनीज इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। अब हम लोग जा रहे हैं महल के अंडरग्राउंड देखने के लिए, क्योंकि इस महल के अंडरग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, जो कि तहखाना पूरा बना हुआ है। आइए देखते हैं। सो जैसे कि देखें, हम लोग पहला फ्लोर अंडरग्राउंड आ चुके हैं और ये जो रूम था ये था राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए समर टाइम का झूला घर। फिर ये जगह जब अपने मुगलों के हैंडओवर गई 1600-1670 के बीच में, फिर इसी कमरे को उन लोगों ने फांसी घर में कन्वर्टेड कर दिया। जो औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को यहाँ पर बंदी बनाया था, मुराद एंड दाराशिको। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर फांसी दी और दाराशिको यहाँ से भाग गया तो उसको दिल्ली में चांदनी चौक पे हाथी के पैर से कुचलवाया और सिर काट के औरंगजेब के सामने पेश कर दिया। फिर औरंगजेब ने अपने पिताजी को शाहजहां को आगरा फोर्ट में 8 साल बंदी बनाया। फिर औरंगजेब की नॉर्मल डेड हुई औरंगाबाद में 1707 में, तो उसके नाम से औरंगाबाद का नाम रखा गया है। इसी कमरे में एक 500 बस पुराना टेलीफोन वाली जगह जो कि बाजू में है, आइए देखते हैं उसको भी। उस समय इस जगह को राजा महाराजा के समय में यूज किया जाता था। इसके अंदर हम लोग देखें 2 हॉल बने हुए हैं। ये टेलीफोन की टेक्निक थी उस समय की, जो कि राजा रानी को बात करने के लिए। इसके अंदर पहले 2 चूने के पाइप फिटिंग थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे, तो ये सिस्टम कनेक्टेड है नीचे स्विमिंग पूल में। अच्छा। जो आप अभी यहां देखेंगे, बाद में हम लोग नीचे और जाएंगे वहां पर भी यही टेक्निक देखेंगे जो कि टेलीफोन की उस समय की बनाई हुई है। और बाकी जो हॉल है ये सारे वेंटिलेशन के लिए, जो हवा रोशनी अंदर आती रहे, तो ये सारी जगह वेंटिलेशन के लिए भी दी हुई है महल के अंदर। अब हम लोग जाएंगे नीचे, सेकंड फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड का। तो यहां पर जिस रूम में हम लोग आ चुके हैं ये पहला सेकंड रूम अंडरग्राउंड का है, जो था राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए वेटिंग रूम। जिस समय राजा बाहर की ओर शिकार के लिए जाते थे तो सभी रानी यहां पर बैठ के यहां से राजा का वेट करती थी। जब राजा की ऐसा माने गए 1523 में इब्राहिम लोदी की लड़ाई में डेड हुआ, उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद उस समय इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने महल के अंदर आक्रमण कर दिया रानी को उठाने के लिए। तो दरवाजे देखें छोटे बने हुए हैं, इन दरवाजों के लेफ्ट एंड राइट में 2 लेडीज गार्ड स्टैंडिंग होते थे जिनके हाथों में तलवारें थीं। जो भी महल के अंदर प्रवेश होता था सिर झुका के तो उसकी गर्दन काट दिया करते थे। सो इस प्रकार से पूरे महल के अंदर छोटे दरवाजे सिर काटने के लिए और सिर झुकाने के लिए दोनों चीजों में यूज किए गए इस प्रकार से दरवाजे। इब्राहिम लोदी का जो अटैक हुआ कब की बात है? 1523 में। फिर उसके बाद रानियों ने जौहर किया, जिस जौहर को उनको हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए। ये ऊपर वाली जगह सर उस समय की टेक्निक है वेंटिलेशन के लिए, जो हवा रोशनी नीचे सीढ़ियों पर आती रहे। तो यहाँ पर देखें हम लोग -3 आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे छोटा टैंक है और राजा के समय में काफ़ी बड़ा टैंक था। ये सारे पिलर पानी के अंदर थे
ये करीब 10 फीट गहरा था, 10 फीट चौड़ा था, और उस समय राजा की 8 रानियां पानी में केसर डाल के आराम से स्विमिंग किया करती थी। फिर जब राजा के मरने के बाद जब रानियों ने देखा राजा की मृत्यु हो गई, तो उस टैंक को खाली कराया और चंदन की लकड़ी से आग जलाई, और आग जलाने के बाद 8 रानी आग में कूद गईं, जिसको हम लोग बोलते हैं जौहर। बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग राजस्थान में जब चित्तौड़गढ़ गए थे, वहां जाकर भी हमने जौहर के बारे में समझा था। बहुत ही, देखो आज हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, लेकिन उस समय कैसा रहा होगा माहौल, बहुत बड़ी बात है। फिर सेकंड चीज एक और देखा जाए तो सर, जब ब्रिटिश का शासन था तो उन लोगों ने इसको छोटा कर दिया और भारत सरकार ने इसके ऊपर जाल डाल दिया, कोई पर्यटक इसके अंदर गिर नहीं पड़े। और ये सर बाजू में जो आपके हैं, ये जो सीमेंट से बंद है, इसके अंदर काफी बड़ा पानी का टैंक था, जिसको हम लोग बोलते हैं बावड़ी, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहां से पानी भर के लेडीज यहाँ पर सप्लाई किया करती थी उस समय। तो ये रास्ता भी बंद करके रखा हुआ है, जो सीमेंट से प्लास्टर है पूरा। फोर्ट का जो हिस्सा अभी तक हम देख रहे थे वो सेंट्रल एएसआई के पास है, और अब उसके ही बगल में ना और कुछ मॉन्यूमेंट्स बने। हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ आने के लिए हमने अलग से 20 रुपये पर पर्सन टिकट ली है। कैमरे की 250 लगती है और वीडियो कैमरा की 400 रुपये पर पर्सन पर कैमरा टिकट लगती है, वो हमने निकाल ली है। ये पवन भाई एक चीज़ बताओ, जैसे अभी हम फोर्ट के अंदर ही हैं, ये पूरा जो बाहर से अगर हम घूमने जाएं फोर्ट, मतलब चार दीवारी घूमें, तो कितनी बड़ी होगी चार दीवारी? सर दीवार तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि दीवार जो फैली हुई है करीब 10 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये जो महल हमारे जस्ट सामने है, जिसको हम लोग बोलते हैं करण महल, क्योंकि राजा मानसिंह के फादर थे करण सिंह, उनके द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। बिल्डिंग जो बनी है सर ऊपर से लेकर नीचे तक करीब 4 मंजिल में, और पैलेस का जो एरिया है पूरा वो करीब 50x50 में फैला हुआ है स्क्वायर में। इस प्रकार से पूरा अंडरग्राउंड महल है। और सेकेंड चीज़ ये भी आती है देखने के लिए, क्योंकि इस महल के जो अंडरग्राउंड थे जो आज हमारे पर्यटकों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कारण ये है, काफ़ी बैट्स लटकी रहती हैं, तो हमारे पर्यटक रिस्क नहीं लेते उस चीज़ को देखने के लिए। और बाकी ऊपर के फ्लोर सारे खुले हुए हैं, जिसको हम लोग अभी जाते हैं देखते हैं, चलिए चलते हैं उसको देखने के लिए। और जैसे कि करण महल के बाजू में सर एक और स्मारक ये है, जस्ट आपके लेफ्ट में है, और ये राजा के समय का था बारादरी। क्योंकि बारादरी इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हम इंडिया में काफ़ी किले जाते हैं देखने के लिए, हर किले में बारादरी होती है, क्योंकि राजा महाराजों के समय में जितना भी लगान लेके आते थे, टैक्स जितना भी कलेक्शन करते थे, वो लाके बारादरी में पेश करते थे। और बारादरी में राजा बैठ के उस सभी का व्यक्ति का टैक्स देखता है कि भाई कितना टैक्स वसूली हुआ है। फिर यही बिल्डिंग को बाद में ऐसा माना जाता है मुगल शासन काल में जेल में कन्वर्टेड करा दिया गया है। तो यहाँ पर जो जेल बना ये क्या अंग्रेजों के समय बना कि पहले बना? सर ये अंग्रेजों ने भी बाद में इसको यूज किया, क्योंकि फिनिशिंग जो आप देखेंगे मुगल से स्टार्टेड होती है, बाद में ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये जगह बहुत बढ़िया फोटोग्राफी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर जो पूरा शहर दिख रहा है ना, अच्छी फोटो आएगी। सर ये जिस जगह आप खड़े हैं सर, ये ग्वालियर फोर्ट का एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर होता है शाम के। राजा मान सिंह के पिता राजा करण सिंह, राइट बात है सर, तो उनके समय का ये महल। तो ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं ये तोमर वंश की कर रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। अब तोमर वंश तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 500 साल पुरानी बात है, 500-600 साल पुरानी बात है। उससे पुराने जो राजा रहे हैं यहाँ पर, उन लोग के महल वगैरह कहाँ हैं? सर उन लोगों के महल नहीं रहे, उन लोगों ने मंदिर बनाए, जो मंदिर अपने फोर्ट के अंदर हैं, जो पथियारा गुजर समाज के जो लोग रहे हैं उन्होंने मंदिर अपने फोर्ट के अंदर बनाए हैं, जो कि मंदिर अपने 9th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक के बने हुए हैं। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो कि 8th सेंचुरी के हैं, जो फोर्ट कैंपस के अंदर ही हैं। और सेकंड चीज़ ये आती, उससे पुराने और रहे जो राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो सबसे पहले राजा सूरसेन थे, जो कछवा राजपूत थे, जो कछवा राजपूतों ने इस किले की फाउंडेशन डाली, इसलिए हमारे किले की दीवार सबसे पुरानी है। 6th सेंचुरी की है सर। तो इस कछवा राजपूत कहाँ से आए थे? सर ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुरैना, और मुरैना के पास एक गांव है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंतलपुर, जो कुंती का नगर था, वो वहाँ का राजा था। वो राजा वहाँ से यहाँ शिकार के लिए आया करता था, इसलिए शिकार खेलते खेलते उसका समय यहाँ बीतने लगा, और यहाँ से उसको काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि उसकी यहाँ पर कुष्ठ रोग की बीमारी खत्म हुई थी सर।
इसलिए उसने अपने नाम से एक टैंक का भी निर्माण कराया जिसको हम लोग बोलते हैं सूरज कुंड, जो कुंड हमारे फोर्ट के अंदर है और 1 किलोमीटर दूरी पे है, जो पार्किंग से 1 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, जो फोर्ट के अंदर पार्किंग है। और जहाँ ऋषि मुनि से जो मिले थे राजा सूरज सिंह, जिनका नाम था गालव ऋषि, और गालव ऋषि से आज जो शहर का नाम रखा गया ग्वालियर, क्योंकि उनको ग्वालिपा और गालव ऋषि के नाम से जाना जाता था। तो इतिहास जो हमारा स्टार्टेड है इस फोर्ट का, वो 6th सेंचुरी से माना जाता है। काफी ओल्ड हिस्ट्री है। जी जी सर। बीच में मैंने सुना यहाँ पर ना हून डायनेस्टी से भी लोग आए थे, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन राजा मिहिर करके बोलते हैं हून डायनेस्टी, और गुप्ता पीरियड से यहाँ पर मॉन्यूमेंट तो सर हो सकते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे कहाँ पर ये मॉन्यूमेंट से गुप्ता पीरियड्स के, लेक अभी भी हैं गुप्ता पीरियड के जो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी से रिलेटेड हैं, जो आज हमारे गुजरी महल में रखे हुए हैं। अब हम लोग करण महल के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। जो व्यू यहाँ पर खड़े होकर हमको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही गजब है, अनपैरेलल है, इसके जैसा व्यू नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी हैं। अब अच्छी बात पता है क्या है, मतलब चारों दिशा की ओर हम देख सकते हैं। कुछ देर पहले हमने सिटी व्यू देखा वहाँ पर खड़े होके, अब और ऊपर आ गए, ज़्यादा दूर तक देख पा रहे हैं। सर ये करण महल का अंदर का है हिस्सा है, और ये था राजा का दरबार हॉल जिसको बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पर ये जो बालकनी थी राजा के बैठने के लिए हुआ करती थी, उनके जो मंत्री लोग वो सभी नीचे यहाँ पर बैठ जाते थे। हम इसमें एक खास चीज़ देखें सर, यहाँ पर देखें आप कुछ कुंदे बने हुए हैं, जो कुंदे एक ऐसे प्रकार से होते थे, रेशम की रस्सी होती थी और एक चेयर टाइप की होती थी लॉन्ग, जो आराम से जो राजा महाराजा को बैठने के लिए, कुछ यहाँ पर और कुछ लास्ट वाले रूम में। तो सर हम लोग अभी सभी लोग आ चुके हैं जहांगीर महल देखने के लिए। अब जहांगीर महल का दरवाजा देखें, दरवाजे में दो आर्किटेक्चर मिक्स है, हिंदू एंड मुगल। हम नीचे वाला दरवाजा देखेंगे वो हिंदू शैली में है, उसके जो ऊपर वाला शेप देखेंगे पूरा मुगल शैली में है। उसके बाद हम लोग कलर भी देख सकते हैं जो कि मुगल शैली से रिलेटेड है, इसलिए इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल। सर यहां से देखेंगे ये है जहांगीर महल, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा। जी जस्ट अपने पीछे देखेंगे सर, ये जो जगह पहले ऐसा माना जाता है शीशा लगा रहता था, और यहाँ पर उनका सरदार सैनिक बैठता था, सैनिक की निगाह मिरर में होती थी, मिरर से सारे रूम दिखा करते थे, तो ये टेक्निक थी सीसीटीवी कैमरे जैसी। ये जहांगीर महल ये रहा, ये जहांगीर के सैनिकों के लिए रूम था, वो शाहजहां गेस्ट हाउस है, वो लास्ट में हवा महल है जो कि वहां का छतरियां देख रहे हैं हम लोग यहाँ से। इन सभी महलों के बीच में काफी बड़ा पानी का टैंक है जो कि डीप एंड डीप में है। इसका जो आकार, इसकी जो शैली, आज आपको आगरा जब जाते हैं आप लोग फतेहपुर सीकरी विजिट करते हैं, फतेहपुर सीकरी और स्मारक को देखने में एक से लगते हैं। अंतर इतना है, फतेहपुर सीकरी के सेंटर में एक वहां पर तानसेन को राग गाने वाली जगह है, और यहाँ पर सेंटर में पानी का टैंक है। आइए देखते हैं उस टैंक। आपने तानसेन की बात करी, तो तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। ग्वालियर में है सर, हमको जाना है वहां पर भी। कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से पड़ता है अपने फोर्ट से 3 किलोमीटर। सर ये जो टैंक अपने जस्ट सामने है, और इस टैंक में सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, सीढ़ियाँ दोनों ओर से हैं नीचे आने के लिए, फिर वहाँ से सिंगल सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए। अपने किले के अंदर 10 से 12 पानी के टैंक हैं, 8 कुएँ हैं, 9 बावड़ियाँ हैं, जो फोर्ट के कैंपस के अंदर ही हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अभी कहाँ चलेंगे? अभी अपन लास्ट में हवा महल चल रहे हैं, हवा महल से व्यू करेंगे नीचे गुजरी महल का। तो जस्ट हमारे पीछे ये जो पानी का टैंक है सर, ये जौहरकुंड था जो हम लोग वहाँ देख रहे थे, बोर्ड पे भी लिखा था जौहरकुंड कहाँ है, तो ये जौहरकुंड के स्पॉट पे हम लोग आ चुके हैं। पास में आके इसकी डीप देखना थी कितना डीप है, तो अभी इजी है डीप देखने के लिए, 15 से 20 फीट के अंतर्गत है, जो पहले काफ़ी डीप हुआ करती थी, जो अब कम है। इसके बैक साइड में छत्री है भीम सिंह राणा की, बताया था जो मैंने आपको पहले भी बताया सर, और बाजू में ये जो बिल्डिंग है ये भी अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो कि पहले गोला बारूद बम वगैरह बनाते थे, तो 1883 से ये फैक्ट्री यूज होने लगी फोर्ट के अंदर। हवा महल के टॉप पे आके ना दिल खुश हो गया, ऊपर से देखेंगे गजब का व्यू है। अच्छा जैसे मैं पहले भी नोटिस कर रहा था ना, चारों तरफ दिख रहा था, यहाँ भी अपन एक हाइट पे आ गए।
तो अब इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है इसी हिसाब से है कि जो इसके 2-3 फ्लोर्स हैं हवा क्रॉस होती रहे जी। और इसीलिए इसका नाम हवा महल। जहांगीर महल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको शेरशाह मंदिर कह के भी बोलते थे कि क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह का जो समय रहा उस समय इस टैंक का निर्माण कराया गया तो जस्ट आपके बाजू में ही था जो हम लोगों ने भी देखा, तो वो टैंक का निर्माण शेरशाह सूरी के समय में हुआ है। बाकी जो स्मारक जो है वो हमारे हिंदू राजों के समय में बनाए गए हैं। तो जहांगीर महल जहांगीर ने खुद बनवाया अपने लिए? नहीं, जहांगीर ने ये बने हुए महल को यूज किया इसलिए नाम रख गया जहांगीर महल। तो राजा ने फिर जहांगीर के लिए महल अपने फोर्ट में क्यों बनवाया? रीजन ये था सर, ये जो ट्रायंगल था ग्वालियर से, जहांगीर जब ओरछा के लिए गया था तो ग्वालियर में 2 घंटे उसने आराम किया था। हाँ। फिर यहाँ 2 घंटे आराम करने के बाद फिर ओरछा के लिए रवाना हुआ। ओरछा पहुंचा तो ओरछा में 1 रात रुका। ओरछा में भी जहांगीर महल बनाया गया मात्र 1 रात के लिए। इस महल को बनाने में 22 साल लगे और यूज के मात्र 1 रात के लिए, इसलिए उसको भी जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है जो कि ओरछा में भी पैलेस है। हाँ मैं समझा, लेकिन जैसे जहांगीर मुगल्स थे जी, मुगल थे तो उनके लिए इतना वेलकमिंग कैसा था कि उनके नाम पे एक महल बनाया, क्या कारण था? सर एक्चुअली क्या है, बुंदेला राजपूत थे जो कि ओरछा के, वो जहांगीर का बहुत सम्मान करते थे और जहांगीर के स्वागत के लिए उन्होंने सारी प्रक्रिया रची थी, जिसमें अपना दतिया में भी हुआ किला, ग्वालियर में भी और अपना उसके बाद देखा जाए तो ओरछा में भी। जब बुंदेला राजपूतों का शासन आ गया तो उन लोगों ने इन सारे किलों को यूज़ किया था अपने लिए और हर जगह उनके लिए गेस्ट हाउस बनाते चले गए। अच्छा, बुंदेला राजाओं का मुगल्स को समर्थन रहा जहांगीर के समय? जहांगीर के समय में, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग मान सकते हैं। सो जैसे कि देखें, हम लोग अभी आ चुके हैं विक्रम महल के पास। इस स्मारक को विक्रम महल के नाम से भी जाना जाता है और विक्रम मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि राजा मानसिंह का लड़का था जिसका नाम था विक्रम सिंह, जिन्होंने ये स्मारक बनाया। ये स्मारक जो कि बना है 15वीं सदी का है, 500 वर्ष पुराना है। इस स्मारक के अंदर 2 मूर्तियां थीं, एक शिव जी की, एक हनुमान जी की। आज वो दोनों मूर्तियां बाहर की ओर हैं, जस्ट हम बाजू में देख सकते हैं। ये मूर्तियां जब मुगल शासन काल में अंदर से तोड़ के बाहर फेंकी गई, फिर ये खुदाई में ये मूर्तियां मिली तो इनकी स्थापना यहाँ पर ही करके रखी हुई है। जी, शिवलिंगम है बाजू में, हनुमान जी की मूर्तियाँ और राइट साइड में भैरव जी हैं, जो भैरव जी की बाद में स्थापना की हुई है। इसके बाजू में स्मारक के यहाँ पर देखें एक कुंड भी बना हुआ है, ये हवन के लिए हुआ करता था पहले। विक्रम महल के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि बरादरी है बीच में और एक तरफ को रूम है। फोर्ट के हम ना मेन गेट के बाहर खड़े हो चुके हैं, पार्किंग यहीं बगल में है। अब यहाँ से तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर, वहाँ सब जाने के लिए पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा हम बैटरी रिक्शा पे चलें। तो 50 रुपये पर सवारी ये लोग लेते हैं और कोई अगर बुक करा ले तो 250 रुपये लेते हैं, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट ले जाते हैं, सूर्य मंदिर भी ले जाते हैं। सूर्य मंदिर कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर, सूरजकुंड बोलते हैं उसको, 1 किलोमीटर दूर है। तो ये सारा राउंड करके वेटिंग मिला के ये लोग 250 रुपये पे चार्ज में आपको वापस इधर ले आएंगे। ये सर सूरज कुंड है और ये सूर्य मंदिर है बाजू में। हाँ, तो अभी क्लोज्ड है क्या? हाँ, ये क्लोज्ड है और इसके बाजू में ये गालव ऋषि की जगह है, जो गालव ऋषि जो तप करते थे बीच में, जिनके नाम से आज ग्वालियर शहर का नाम रखा गया है। और ये पुरानी शिवलिंगम सर बीच में है और इसके बाजू में एक छोटी सी कुंडी थी जो आज इसका भव्य आकार है, जो कि सिंधिया शासन काल के समय में फिर इसको बड़ा आकार दे दिया गया। पहले इतना बड़ा नहीं था जितना था, ये ऊपर की फाउंडेशन बात की है पूरी। हमारे किले का जो इतिहास स्टार्टेड होता है वो इसी टैंक से स्टार्टेड है, इसी का पानी था जिस समय राजा सूर्य सेन की कुष्ठों की बीमारी खत्म हुई थी। और यहाँ पर देखें सर, ये गालव ऋषि की जो समाधि है, आज भी काफ़ी लोग आते हैं जो कि इस पानी को यूज़ करते हैं स्नान करने के लिए, फिर पीते भी हैं, फिर जिन काफ़ी लोगों को वाइट चिट्ठे होते हैं शरीर पर अभी भी क्यूर्ड होते हैं इस पानी से, ऐसा माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं तेली का मंदिर, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्मारक हम लोग देखने के लिए आए हैं जिसको बोलते हैं तेली का मंदिर, ये तेली का मंदिर अभी मॉडल नेम से जाना जाता है, इसका पुराना नाम है तेलंगाना मंदिर। मंदिर की जो शैली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और मंदिर ये 9वीं सदी का है, 1100 साल पुराना है। राजा महीभोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार किया गया है। द्रविड़ीन शैली, कौन सा हिस्सा है जो द्रविड़ीन शैली का? ऊपर का जो आकार है सबसे टॉप का वो है,
और फ्रंट वाला जो शैली पूरे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है जो कि रिकंस्ट्रक्शन है। ये बात का रिपेयर कराया गया जो सिंधिया और ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये फ्रंट वाला पार्ट पूरा रिपेयर कराया गया, बैक वाला पार्ट पूरा ओरिजिनल है। कुछ देर पहले मैं बाहर पढ़ रहा था इन्फॉर्मेशन कि जो तेल का व्यापार लोग करते थे ना उनके धन से इस मंदिर का निर्माण हुआ, वो भी एक कारण है, इसका नाम बाद में पड़ गया तेली का मंदिर। हाँ, क्योंकि जो तेल के व्यापारी रहे उन्होंने संगठन से पैसा इकट्ठा करके तेल का फिर उन्होंने इस मंदिर के सहयोग के लिए दिया होगा। तो ये अटैक्स हुए हैं उसी दौरान ये मंदिर भी तोड़े गए होंगे। हाँ, तो फिर इनको रिपेयर कराया गया, बाद में कुछ हिस्से रिपेयर कर गए और कुछ हिस्सा इसका ओरिजिनल ही है। और इसमें जो काफ़ी मूर्तियाँ हम लोग देखें गॉड एंड गॉडेसेस की भी हैं, कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ जो कि डांसर्स फिगर्स वगैरह बनी हुई हैं। ये जो बेसिक टेंपल जो हम विजिट करने आए हैं, अभी तो अंदर क्योंकि मूर्ति नहीं है लेकिन किसी समय पे यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर रहा था। हाँ, भगवान विष्णु की मूर्ति थी जो इस समय नहीं है। और इसी प्रकार से सास बहू का मंदिर, वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति थी जो आज वहाँ पर भी नहीं है, जो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। कितना दूर है यहाँ से सास? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे। अभी हम सास बहू मंदिर पहुंच चुके हैं। जो टिकट हमने फोर्ट विजिट करने के लिए ली थी ना, वही टिकट यहाँ पर भी लागू है। तो इधर और तेली का मंदिर आप सेम टिकट पे विजिट कर सकते हो। अभी टेंपल के जस्ट हम बाहर ही खड़े हैं और बहुत सारे स्कल्पचर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इधर भी और वहाँ ऊपर की ओर। देखो क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, कैसे बनाया होगा इतनी ऊपर? नीचे स्ट्रक्चर्स बना बना के ऊपर फिट किया होगा ना? ऐसी देखने में तो ऐसी लगता है सर, क्योंकि ये जो इन लॉकिंग सिस्टम है पूरा अंदर ही अंदर लॉक करके ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और मंदिर का जो आकार है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं नागर स्टाइल, क्योंकि राउंड एंड राउंड में ये मंदिर है। और मंदिर जो हम लोग देखने के लिए आए हैं, ये मंदिर 1093 के हैं, राजा महीपाल के द्वारा बनाए गए, अपनी माँ और अपनी वाइफ के लिए मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका पुराना नाम था सहस्त्र बहू, आज इसको बोलते हैं सास बहू। ये पाली भाषा में लेख लिखा हुआ है, जो पाली भाषा का पहले प्रयोग करते थे इसलिए पाली भाषा में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो कि मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, जो इस मंदिर में कितना पैसा आपने लगाया, कितने पैसे से ये सारा कार्य किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये भी बड़े पुराने शिलालेख होंगे जी, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। पाली भाषा जो पढ़ सकता है वो आराम से इसको स्टडी करके ये सारी चीज़ें और समझ सकता है इस मंदिर के बारे में। कुल मिला के यहाँ पर आके मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को वाकई लग रहा है कि अगर कोई ग्वालियर फोर्ट विजिट करने आए और यहाँ आप नहीं आए तो शायद आपका विजिट अधूरा, ऐसा कह सकते हैं। आपको आना चाहिए यहाँ पे। अभी हम गुरुद्वारे के अंदर गए, मैंने माथा टेका, प्रसाद लिया। इस समय मैं गुरुद्वारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हूँ लेकिन गुरुद्वारे के थोड़ा सा बाहर की तरफ खड़ा हूँ। तो हमारे साथ इस समय सेवादार हैं, तो आप हमें इस स्थान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। गुरु प्यारेसा संघ जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हो जी, छठे पातशाह का स्थान है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी श्री अमृतसर साहिब से दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली आने के बाद बादशाह जहांगीर की विनती पे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 40 दिन के लिए इबादत करने लिए इस स्थान पर आते हैं। और अचानक बादशाह जहांगीर की जो सेहत में बिगाड़ आ गया, उसकी बेगम नूरजहां साई मियां मीर जी जो उस वक्त दिल्ली आए थे, उनके पास आकर विनती करती है कि उस अल्लाह के आगे दुआ करो कि मेरे सर का साई, मेरा पति जो ठीक हो जाए। तो साई मियां मीर जी ने ये वचन किया था कि आप पीरों के पीर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को तो ग्वालियर के किले में 40 दिन के लिए भेजा था, अब 2 साल 3 महीने हो गए, तो मेरे को बोलते हैं कि अल्लाह के आगे दुआ करो। तब बादशाह जहांगीर को याद आया, उसी वक्त उसने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी यहाँ ग्वालियर पहुंचती है तो महाराज जी ने इनकार कर दिया कि जब तक ये 52 निर्दोष राजे आप रिहा नहीं करोगे तब तक हम जहाँ से नहीं जाएंगे। 52 राजे जिनको जहांगीर ने कैद किया हुआ था, ये शाही राजसी कैदी थे।
तो चिट्ठी वापस जाती है तो जहांगीर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह कर ये लिखा था कि जितने आपके पल्लू दामन पकड़ कर निकल जाएं तो निकल सकते हैं। तो जब चिट्ठी वापस आई तो महाराज जी ने के 52 कलियों का ये चोला सलवाया, तो ये 52 हिंदू राजे एक एक पल्लू पकड़ के महाराज जी का जो आलमगीर गेट है उस दरवाजे बाहर जा रहे हैं। जिस वक्त बाहर गए, बाहर जा रहे हैं तो बाहर हरिदास दरोगा है जहाँ का जेल सुपरिटेंडेंट है, मेन जेलर है जहाँ का, उसने महाराज जी के दर्शन किए तो सबसे पहली बार उसने ये शब्द यूज किए थे, दाता बंदी छोड़। तो उनके पीछे जो 52 राजे जिनको नई जिंदगी दोबारा गुरु नानक देव महाराज जी के घर से मिली थी, दिल की गहराइयों से ये शब्द बोला था, जय दाता बंदी छोड़। उसी दिन से ये स्थान का नाम जो दाता बंदी छोड़ पड़ गया। आप इस स्थान के जो दर्शन कर रहे हो तो जो दिवाली है अमृतसर में मनाई जाती है पूरा ठीक उससे एक महीना पहला अमावस वाले दिन अस्सू की अमावस पे गुरु महाराज जी जहाँ से आलमगीर दरवाजे के 52 हिंदू राजों को रिहा करवा कर जहाँ से बाहर निकले, तो एक महीने का सफ़र करते हुए दिल्ली के बाद आप अमृतसर पहुँचते हैं। तो खुशी में बाबा बुढ़ा साहिब जी की अगुवाई में सिख समाज के जो लोग हैं उसने दीपमाला की, कड़ाह प्रसाद की देग और सचखंड श्री हरिमंदर साहब नमस्कार की, गुरु महाराज जी का कीर्तन हुआ। उसी दिन से ये दाता बंदी छोड़ जो दिवस है दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है दाता बंदी छोड़ का? हाँ जी, बंदियों नु छुड़ाने वाला, बंदियां जो कि कैद में छुड़ाने वाला। अच्छा, क्योंकि उनको रिहा कर दिया था। रिहा, बंदी किए थे। अच्छा, ना उन्होंने हेल्प करी थी। हाँ हाँ, मदद की छुड़वाने के लिए, इसके लिए ऐसा बोला। हाँ, बंदी उनको दाता बंदी छोड़। बाबा सेवा सिंह जी हैं जो इस संस्था के मुखी हैं, तो वो यहाँ सेवा करवा रहे हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा भी है? हाँ जी, जहाँ रहने की भी सुविधा है। गुरु महाराज के समय भी मर्यादा चलती थी, आज भी जहाँ संस्था के मुखी बाबा सेवा सिंह जी और संगत के सहयोग से जहाँ 150 कमरे का जो रहने का प्रबंध किया है, और गुरु महाराज जी का जो लंगर है ये भी मर्यादा चलती थी, ये भी 24 घंटे लंगर महाराज जी का जहाँ चलता है। तो मैं आप जी को भी बेनती करूँगा कि गुरु महाराज जी का लंगर आप छक के जाएँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लंगर हॉल के पास हम पहुंच गए हैं। 3 महीने पहले ना मेरी घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से ना मैं नीचे नहीं बैठ सकता। डॉक्टर ने मेरे को मना किया, आलती पालती मार के नहीं बैठना। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी, इन्होंने बोला ठीक है आपको बाहर की तरफ दे देते हैं, आप यहाँ पर बैठ के लंगर कर लो। तो वैसे लंगर हॉल काफ़ी बड़ा सामने दिखाई दे रहा ना, इस समय लंगर चल रहा है और हमें भाई जी ने बताया था कि 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है। अच्छा हो गया हमने आज का ये 4 टूर इस प्रकार से प्लान किया कि एंड में हम गुरुद्वारे तक आ जाएं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद लंगर कर लें। ये काम बहुत बढ़िया हो गया। लंगर फिनिश करने के बाद हम फोर्ट की ओर जाएंगे। अब आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। अभी हम चतुर्भुज मंदिर आए हैं। सामने देखिए लिखा है ना, द चतुर्भुज टेम्पल 9th century AD का है। यहाँ पर विष्णु भगवान का एक समय पर मंदिर हुआ करता था। अभी मूर्ति खंडित हो चुकी है हमें जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने वर्ल्ड का 2nd ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो देखा है। नीचे भले ऐसा लिखा हुआ है ग्वालियर रीजन का, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है देखकर, लेकिन ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा और काफ़ी लोगों से सुना भी है कि ये वर्ल्ड का 2nd ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो है। एक मिनट पहले ना थोड़ा सा लाइट डाल के देखा भी था, जो नंबर लिखा गया था उसके अंदर जीरो का इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं पर भी आप पढ़ेंगे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब है इस इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है जहाँ पर जीरो का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको हिंट के तौर पर ये बात बता रहा हूँ। तो जब आप ग्वालियर फोर्ट विजिट करने आएंगे तो आपको यहाँ पर भी आना चाहिए। ज़्यादा लंबा दूर नहीं है, मुश्किल से फोर्ट की बगल में जो रैंप है वहाँ से आप थोड़ा सा नीचे उतरिए, जैसा मैंने बताया हार्डली 250 meters। अब आपको पवन भाई थैंक्स, आप सुबह से आपके साथ लगे हुए हैं हम। सर वेलकम सर। बहुत बढ़िया। देख सुबह सोचो ना 7:30 से हम इनके साथ हैं और अब क्या टाइम हो गया, 4 बजने को आए हैं जी। लंबा दिन हो गया ना। आमतौर पर देखो फोर्ट विजिट करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम तो चाहिए। आम टूरिस्ट जब आपके साथ आते हैं 2.5 घंटे लग जाते हो? हाँ, 2-2.5 घंटे मान के 2 से 2.5 घंटा लग ही जाता है। आप 1.5 घंटे में करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और हम यहीं से गुजरी महल चले जाएं। जी, यही रास्ते से सर गुजरी महल पहुँच जाएंगे आप लोग। कितना देर लगेगी पहुँचने? 10 मिनट मान के चलिए। देखिए चलो, थैंक्स पवन भाई। वेलकम सर। ठीक है, अब आपको हम गुजरी महल पहुँच के ज्वाइन करते हैं, इधर से हम नीचे उतर जाएंगे।
देखिए हम ना गुजरी महल के अंदर आ गए, हमने 20 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट ले ली है, वीडियो का 400 रुपये चार्ज लगता है और स्टिल फोटोग्राफी का 250 रुपीज। कुछ स्कल्पचर्स बाहर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी पुराना म्यूजियम है, मेरे को अभी किसी ने बताया कि 1922 से यहाँ पर म्यूजियम है। आओ अंदर की ओर चलते हैं। मैं आपको ना 10th सेंचुरी की एक मूर्ति दिखा रहा हूँ, पहले आप यहाँ देख लीजिए। इसका नाम है शाल भंजी का, 10th सेंचुरी AD। ये ग्यारसपुर से मिली है, विदिशा मध्य प्रदेश से। देखो मूर्तियाँ आप कितनी भी देख लो, हर किसी में कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अलग है ना वो है कि आप इसको किसी भी एंगल से देखो, लेफ्ट से राइट से, आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा। आप उसका सिर के पीछे किया हुआ जूड़ा देखो, ऑर्नामेंट्स देखो, बहुत ही खूबसूरत काम किया बनाने वाले ने। 10th सेंचुरी की ये मूर्ति है। फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया में आते हैं ना, ग्वालियर में खास तौर पे बात कर रहा हूँ, तो वो इस मूर्ति को खास तौर पे देखने आते हैं, क्योंकि 1984 या 85 के आसपास कुछ एग्जीबिशन लगी थी फ्रांस में, पेरिस में, तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस मूर्ति को भेजा था पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहाँ से ये फर्स्ट प्राइज लेकर आई थी। तो उसके बाद से तो बहुत पॉपुलर हो गई, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं ना, तो वो खास तौर पे उनके दिमाग में होता है कि शाल भंजी का देखना। और हमारे CBSE की जो हिस्ट्री ये बुक्स हैं उनके अंदर भी इस मूर्ति का जिक्र है। गुजरी महल राजा मानसिंह की 9th वाइफ के लिए बनाया गया था। राजा मानसिंह की 9th वाइफ मृगनयनी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी राजा मानसिंह के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, बहुत खूबसूरत थी। तो जब राजा ने रानी को प्रपोजल दी, मतलब मृगनयनी को प्रपोजल दी कि मेरे साथ शादी करो, तो उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो शादी के बाद मैं लड़ाई में साथ जाऊंगी। दूसरी शर्त ये रखी, नहाने के लिए मुझे जो पानी चाहिए मेरे गांव का चाहिए, और जो मृगनयनी का गाँव था वो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर था, वहाँ से पानी की पाइप यहाँ तक बिछाई गई, तो पानी गाँव से आया। तीसरी शर्त ये थी कि मैं आपकी बाकी रानियों के साथ नहीं रहूंगी। आमतौर पर सारी रानियां एक साथ रहा करती थी, लेकिन ये 9th रानी मृगनयनी अलग से रहा करती थी इस महल में। तो ये 3 कारणों की वजह से गुजरी महल बनाया गया। हम देख रहे हैं हर जो पुरानी मूर्तियां उनके नीचे लिखा गया है कि ये मूर्ति किसके बारे में, कौन से पीरियड की और कहाँ से आई है। अब और ज़्यादा डिटेल में इस जगह को समझने के लिए तो हमें गाइड की ज़रूरत है। इस समय आज गाइड उपलब्ध नहीं है, इस समय उपलब्ध नहीं है, वैसे यहाँ पे 1-2 गाइड रहते हैं, तो फिर भी हम कुछ मूर्तियों के आगे से एक राउंड कर लेते हैं और जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे। गुजरी महल से 0.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम तानसेन मकबरा के पास आ चुके हैं। यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई है, टैक्सी आज हम लेके चल रहे हैं। एक दिन का हमने इसका चार्ज दिया 2000 प्लस टैक्स, तो शाम तक ये राजू भाई हमारे साथ साथ खड़े हुए हैं ना, आते हैं हम 1/2 घंटे में। संगीत सम्राट तानसेन की ऐसी कुछ ख्वाहिश थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे को जहाँ दफनाया जाए वो जगह हो जहाँ पर मोहम्मद गोस का मकबरा है, मतलब उसके पास में ही दफनाया जाए। मैंने ठीक कहा? तो यहाँ पर उनका मकबरा है, आइए जी। जय माता टेक ले। मेरा नाम सूफी सज्जन खान है, यहाँ के हम लोग सेवक हैं। मोहम्मद गोस बाबा 1545 में ग्वालियर आए थे और ग्वालियर किला में ठहरे हुए थे। 450 वर्ष पहले क्या है कि पूरा जंगल था चारों तरफ, 50-60 किलोमीटर दूरी पर गांव थे। कुछ गांव वालों को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे तो मिलने के लिए आए। जो भी अपनी परेशानी बाबा को बताई,
बाबा ने मालिक से प्रार्थना की, दुआ की तो उनकी परेशानी दूर हो गई। ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बैठ गांव में बैठ माँ तानसेन जी के माता पिता रहते थे। जब तानसेन जी के माता पिता को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे तो मिलने के लिए आए, बोले बाबा 10-11 साल हो गया हमारी शादी को, हमारे कोई संतान नहीं हुई, तो मोहम्मद गौस बाबा ने आशीर्वाद दिया, दुआ की तो तानसेन पैदा हुए आपके आशीर्वाद से। स्वामी हरिदास जी संगीत के गुरु हैं, उन्होंने संगीत सिखाया तानसेन जी को। 1562 में मोहम्मद गौस बाबा का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो मोहम्मद गौस बाबा को किले से ला कर दफनाया, तो अकबर बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी थी 1562 की मकबरे की। तानसेन जी की ये वसीयत थी कि जब भी उनका देहांत हो तो मोहम्मद गौस बाबा के चरणों में उनको लाया जाए और इससे ऊँचा नहीं बनाया जाए। यहाँ दिसंबर में हर साल तानसेन संगीत समारोह होता है। अभी 2021 में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रोग्राम चला था। ये पारक बना हुआ है। ये कितने दिन का संगीत समारोह होता है? ये एक हफ्ते का होता है दिसंबर में। यही ये पूरा पार्क बना है, पूरा पंडाल लगता है, बहुत बड़ा पंडाल लगता है। अच्छा। और उसका कोई टिकट नहीं होता है जी, सुबह शाम सभाएं होती हैं और लास्ट प्रोग्राम होता है उनके गाँव में बैठ के अंदर। अच्छा। आखिरी जो दिन होता है ना, ऐसे 25 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ हुआ था प्रोग्राम 2021 में, और दिसंबर में, और 31 तारीख को हुआ था उनके गांव बैठ के अंदर जन्म स्थल पर। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और जानकारी दी, धन्यवाद। अब हमारा यहाँ पर डे एंड हो रहा है, 6 बजने का टाइम हो चुका है। ये मॉन्यूमेंट शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, तो आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो 5 और 5:30 के अंदर ही आ जाइए, क्योंकि 6 बजे क्लोजिंग टाइम है। अब कल का हमारा प्लान ये है, कल हम ग्वालियर में ही हैं, कल आप ग्वालियर की साइट सीइंग देखेंगे और कुछ फूड एक्सप्लोर भी हम यहाँ ग्वालियर में करने वाले हैं। परसों हम ग्वालियर से चलेंगे और ओरछा जाने वाले हैं, ये हमारा परसों का और कल का प्लान है। राइट, अभी मैं आपको यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।